नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। दुर्गा काली माता की पूजा में गुस्सा क्यों आता है? काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये प्रश्न रहता है कि गुरु जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर एक साधना का एक दायरा होता है, हर एक साधना का एक लिमिटेड एरिया होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको अनुभव आते हैं और उसी प्रकार से आपको अनुभवों का जो है वो सपनों के माध्यम से आपको अनुभव जो है दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, पब्लिक बोलती है कि मैं साधना करती हूँ और साधना करने के बाद मुझे ये चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ऐसा क्यों होता? तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप कोई कर्म करते हो, कोई भी मंत्र जपते हो, अगर तो आप गुरु के सन्निधि में हो तो फिर गुरु ज्ञान देगा। यहाँ पर कमी आप लोगों में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कमी जो है वो गुरु की कमी के कारण ही आपके साथ ऐसी चीज़ होती है। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ कि उग्र साधनाएं हैं, जो उग्र मंत्र हैं, उन मंत्रों का लोग जो उच्चारण है वो बिना गुरु के कर लेते हैं, इसीलिए उन लोगों के ऊपर जो है बोल सकते हैं कि उन चीज़ों का जो है दुष्प्रभाव बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि उनके ऊपर जो है जो शक्ति का प्रकोप है वो बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उनसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही प्रॉपर रूप में जिस प्रकार से उनको हैंडल करनी चाहिए। तो उग्र रूप की शक्ति है जो लोग मिनटों सेकंडों में उठाना चाहते हैं। जैसे किसी ने बोला है कि 5 बार मंत्र जप दो और 5 बार में ही आपको देव दर्शन हो जाएंगे, 5 बार ये मंत्र जप दो आपके ऊपर जो है देवता हाजिर हो जाएगा, ये मंत्र ऊपर देख के जप दो तो भूत प्रेत भाग जाएंगे। लोग एक्चुअल में उन मंत्रों को पढ़कर ये कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये क्रिया एकदम से नहीं होती है। किसी भी क्रिया को सिद्ध करने के लिए पहले गुरु दीक्षा अति आवश्यक है, गुरु महाराज की कृपा दृष्टि होगी तब जाके आपके काम जो है कहीं संपूर्ण होने लगते हैं। अगर गुरु ही नहीं है तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और गुरु के द्वारा जो भी कर्म दिया जाता है उस कर्म को साधना पड़ता है। साधने में कितना टाइम लगता है इसकी भी कोई पुष्टि नहीं करी जाती है, 1-2 दिन की गेम नहीं है ये, ये आपकी कैपेबिलिटी और कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अब लोग क्या है, लोग इंटरनेट से वीडियो देखते हैं, इंटरनेट की चीज़ें देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमें 2-4 दिन में ही सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी सिद्धि आपको तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक देवता आपसे पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होता है। देवता पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएगा, देवता की प्रचंड कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी, 100% आप जो है उस साधना का पूर्ण प्रयोग कर सकते हो। जब माता का कोई उग्र रूप पकड़ते हो, जैसे शमशान काली की साधना होगी, दक्षिणेश्वर कालिका की साधना होगी, या कुछ उग्र मंत्र होंगे, जिन मंत्रों में ऐसी दवाइयाँ लगती हैं जिनसे शायद बोल सकता सामने वाली शक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो गुस्से में हो सकती है, इसी कारण जो है लोगों को उग्र रूप की जो साधना है बिना गुरु के करते हैं तब जाके उनके ऊपर शक्ति का प्रकोप इतना हो जाता है कि वो सब कुछ रहता है। बाकी कुछ लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि भी होती है, कुछ स्वरूप भी देवताओं के